गाइस, वेलकम बैक टू कीप अपडेटिंग। और मैं हूँ ज्वेता। तो आज का वीडियो भी विंटर स्किन केयर के ऊपर होने वाला है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ व्हाट आर द बेस्ट मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई स्किन, ऑयली स्किन एज वेल एज फॉर बॉयज। मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि आप हमेशा गर्ल्स के ऊपर वीडियोज बनाते हो, तो प्लीज़ बॉयज़ के लिए, हम लोगों के लिए कुछ अच्छा स्किन केयर प्रोडक्ट आप सजेस्ट करो। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ये टॉपिक भी इस वीडियो में इंक्लूड कर दूँ। तो मैं टोटली आज थ्री मॉइस्चराइजर्स के ऊपर मैं रिव्यू करने जा रही हूँ जो बेस्ट बेस्ट होगा आपके लिए। तो मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ बेस्ट मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई स्किन, फॉर ऑयली स्किन और द बेस्ट मॉइस्चराइजर्स फॉर बॉयज फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं पहला प्रोडक्ट जो आपको रिव्यू करने जा रही हूँ वो है बेस्ट टू बेस्ट मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई स्किन। तो पहला मॉइस्चराइजर है जोवीस शिया बटर मॉइस्चराइजर। ये मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है मेरे जो प्रेजेंट विंटर स्किन केयर रूटीन है, क्योंकि विंटर में क्या होता है कि मेरे जो टी जोन है वो ऑयली हो जाती है और जो रेस्ट पार्ट ऑफ द फेस है वो ड्राई हो जाती है। सो काइंड ऑफ मैं ये मॉइस्चराइजर प्रेफर करती हूँ। ये जोवीस शिया बटर मॉइस्चराइजर है। इट हैज़ रिच क्रीम विद फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स। ये मॉइस्चराइजर बहुत अफोर्डेबल भी है और प्राइस है इसका 110 रुपीज़ फॉर 50 ग्राम्स, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। मैंने ये अराउंड लाइक 2 to 3 ईयर्स मैंने यूज़ किया हुआ है और ये मैं थर्ड ट्यूब में यूज कर रही हूँ। ये मेरा करंट फेवरेट प्रोडक्ट भी है। और इसमें क्या है कि बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जो कि नेचुरल है। जो भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड्स है और ये जो है ब्रांड काफी नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, दैट इज फ्री फ्रॉम पैराबेंस एंड ऑल सोर्स ऑफ केमिकल्स, यू नो। सो द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पे शिया बटर, जो कि द मेन इंग्रेडिएंट है, एप्पल जूस, ग्रेपसीड ऑयल, क्योंकि ग्रेपसीड ऑयल इज रिच इन विटामिन ई, जो कि आपको स्किन को मॉइस्चराइजर करने में बहुत हेल्प करेगा। तो ग्रेपसीड ऑयल है, सैंडल एक्सट्रैक्ट्स जो आपको स्किन को ग्लो देगा, एक नेचुरल ग्लो देगा। वी ऑल नो द बेनिफिट्स ऑफ यू नो चंदन, यू नो, सो इट हैज द सैंडलवुड एक्सट्रैक्ट एज वेल और पीच एक्सट्रैक्ट, जो कि एक नेचुरल ब्राइटनिंग एजेंट है। तो ये जो है सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। और जो टेक्सचर है इस मॉइस्चराइजर का बहुत ही ज्यादा थिक है। तो जो आप लोग जो जिसके मतलब ड्राई स्किन है वो लोग के लिए ये जो मॉइस्चराइजर है काफ़ी यूजफुल रहेगा, क्योंकि ड्राई स्किन वालों का जो है बहुत ही प्रॉब्लम रहता है विंटर के टाइम पे, और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। और जिन लोगों का मतलब एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है, मैं उन लोगों को सजेस्ट करूँगी कि सीरम के साथ ये आप मिक्स करके, और आपके पास अगर कोई फेस ऑयल हो या फिर होहोबा ऑयल हो उसके साथ आप एक ड्रॉप फेस ऑयल के साथ ये मॉइस्चराइजर यूज़ करके लगाए, आप 100% बेनिफिट मिलेगा। और प्राइस मैंने ये ऑलरेडी बता दिया है 110 रुपीस, और ये एक प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट का भी काम करेगा, मैं ये अश्योर करती हूँ, क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज किया हुआ है और यू नो आई हैव गॉट द पॉजिटिव रिजल्ट एज वेल। द ब्रांड क्लेम करता है कि दिस हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर विद एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज कंटेन्स अमॉन्ग अदर हर्बल इंग्रीडियंट्स अ वराइटी ऑफ बोटेनिकल एंड फ्रूट एक्सट्रैक्ट विच प्रोटेक्ट्स द स्किन अगेंस्ट डिहाइड्रेशन एंड काउंटरैक्ट्स डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल मॉइस्चराइजर by supporting the skin's ability to retain moisture. It helps to revitalize and restore balance to dry and stressed skin. An excellent recipe for normal to dry and dry skin. तो क्या करना होगा कि कैसे अप्लाई करना होगा, क्योंकि जब हम लोग फेस को वॉश करते हैं, जब टोनर अप्लाई करते हैं, तो यू नो 30 सेकेंड्स के बाद जब हमारा मॉइस्चर थोड़ा थोड़ा रहता है, यू नो थोड़ा वेट रहता है, तब ही हम लोग को ये जो है मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए टू लॉक दैट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। फेस कम्प्लीटली ड्राई ना होने दे, थोड़ा सा मॉइस्चर रहने दे फेस को, मतलब साथ ही साथ वो जो है मॉइस्चराइजर आपको अप्लाई करना पड़ेगा टू लॉक दैट लेवल ऑफ मॉइस्चर इन आवर स्किन। तो ये था द बेस्ट मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई स्किन। मैंने ऑलरेडी डिटेल्स और परचेज लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो मैं सेकेंड प्रोडक्ट के ऊपर आती हूँ जो है बेस्ट मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली स्किन। मैं इसके लिए मैं बताऊँगी कि जो नेचर्स को का सैफ्रन रेडियंस फेस क्रीम है वो आपको सजेस्ट करती हूँ फॉर विंटर्स यूज़ करने के लिए। ये मेरा जो है काफ़ी फेवरेट प्रोडक्ट है। मैं इसको यू नो 12 मंथ्स ही अप्लाई करती हूँ। जनरली आप देख ही सकते हैं कि मैं जो मेकअप वीडियोज़ बनाती हूँ उसमें मैं ये प्रोडक्ट एज अ मॉइस्चराइजर मैं यूज़ करती हूँ टू स्मूदन माई स्किन।
समर टाइम पे मेरी स्किन ऑयली हो जाती है, एज माई टी जोन इज ऑयली, सो समर टाइम में मेरी स्किन जो है ऑयली हो जाती है, मेरी स्किन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. तो ये प्रोडक्ट मैं जो ऑयली स्किन पीपल है वो ये प्रोडक्ट मैं सजेस्ट करूँगी. प्राइस है इसका 550 रुपीज, जो कि थोड़ी से एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन ये आपको मतलब बहुत दिन टिकेगा. एज आपको ज़्यादा अमाउंट यूज़ नहीं करना है, बस थोड़ा सा यूज़ करना है फेस पे और नेक पे, थोड़ा सा अमाउंट यूज़ करके ही आपका पूरा मतलब चल जाएगा, काफ़ी अराउंड पूरा साल ही चल जाएगा, जो कि वर्थ यू नो परचेजिंग प्रोडक्ट है. और ये जो है नेचर्स को पैराबेन फ्री ब्रांडेड, दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ केमिकल्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि हमारे फेस में जो है पैराबेन्स और केमिकल्स और सल्फेट, ये इससे हमारे फेस को दूर ही रखना है, क्योंकि जो है केमिकल्स और पैराबेन्स जो है हमारे फेस के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं. तो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, तो मैं ज़्यादा हर्बल प्रोडक्ट ही प्रेफर करती हूँ. तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी है. तो द एक्टिव इंग्रेडिएंट है इस प्रोडक्ट का जो सैफ्रन, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ग्रेप सीड ऑयल जो कि बहुत अच्छा है, होगोबा ऑयल जो कि बहुत ही लाइट वेट है और जो है ऑयली स्किन पीपल के लिए बेस्ट है, व्हीट जर्म ऑयल, आमंड ऑयल, वी ऑल नो द गुडनेस ऑफ आमंड ऑयल, सो क्रीम एरोमा एंड नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, इसमें कोई पैराबेन नहीं है. तो प्राइस मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये 550 रुपीज़ और ये जो है क्रीम मैं मुझे ग्लैमिको बॉक्स में मिला था. तो ये जो है प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है. दिस लग्जरियस एज डिफाइंग फार्मूला प्रमोट्स नेचुरल फेयरनेस, यूथफुल रेडियंस बाय डिमिनिशिंग एज स्पॉट्स एंड कीपिंग फाइन लाइन्स एट बे, स्मूथ स्मॉल अमाउंट ओवर क्लियरिंग टोन स्किन एज नीडफुल, यूजिंग जेंटल अपवर्ड स्ट्रोक्स एंड सी टेक केयर्स ऑफ योर फेस. दैट मीन्स क्या होता है कि अगर आप ये जो मॉइस्चराइजर है अगर आप इसे रेगुलरली यूज करें तो आपको जो है इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी है, तो आपको ज़्यादा एंटी एजिंग क्रीम भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है ऑल इन वन क्रीम है, इसमें ये एंटी एजिंग क्रीम के जैसे ही ये जो है क्रीम हेल्प करता है टू गेट रिड ऑफ फाइन लाइंस एंड एवरीथिंग, रिंकल्स एंड एवरीथिंग, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. कंसिस्टेंसी इज लाइट वेट एज बिकॉज दिस क्रीम इज बेस्ट फॉर ऑयली स्किन, कंसिस्टेंसी इसकी काफ़ी लाइट वेट है और हैवी भी नहीं होगा आपकी स्किन के लिए, और थोड़ा सा यूज करने पे ही आपका जो फेस है मॉइस्चराइज रहेगा, और टोनर के बाद ही आप इसे अप्लाई करें. कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ, जो है आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी लाइट वेट फॉर्मुलेशन है, और जब आप इसे अप्लाई करेंगे ना इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो ये रहा, और ये जो है प्रोडक्ट 50 ग्राम का प्रोडक्ट है, और हाँ ये रहा टू बेस्ट मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली स्किन. और अब जो है रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं, जो है बेस्ट फेस क्रीम एज वेल एज मॉइस्चराइजर फॉर बॉयज. सो या तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट अब मैं जो है रिक्वेस्टेड सेक्शन के ऊपर आती हूँ, जो है बेस्ट मॉइस्चराइजर फॉर मैन. और जो प्रोडक्ट मैं रिव्यू करने जा रही हूँ आप देख ही सकते हैं कि निविया डार्क स्पॉट रिडक्शन क्रीम फॉर मैन, और इस ये जो है ऑब्वियसली डार्क स्पॉट तो रिड्यूस करते ही हैं, और ये जो है बेस्ट मॉइस्चराइजर का भी काम करते हैं. इसमें सनस्क्रीन यूवी प्रोटेक्शन भी है, ये जो ब्रांड है तो सनस्क्रीन जो है यूवी प्रोटेक्शन का भी क्लेम करता है, और करंटली मेरे जो ब्रदर है वो यूज़ कर रहे हैं, उसको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिला है. तो है जो मैं लाइव रिजल्ट देख के मैंने सोचा है कि क्यों ना इसके ऊपर ही रिव्यू करूँ. उसका जो है ऑयली स्किन है, तो ये उसने कंटिन्यूसली लाइक अराउंड 1 मंथ उसने अप्लाई किया, और अभी जो डिफरेंस मैं उसके फेस पर दिख पा रही हूँ, डार्क स्पॉट जो है फेस अराउंड द नोज एरिया, उसके जो है ऑयली स्किन के लिए वजह से यहाँ पे डार्क स्पॉट आ गए थे, तो ये जो वो है क्रीम है वो रेगुलरली उसने अप्लाई किया, अब तो काफ़ी हद तक वो डार्क स्पॉट जो है उसके कम हो चुका है, एज वेल एज उसके जो ऑयली स्किन है उसके लिए ये क्रीम बेटर काम कर रहा है. मेरा जो है ड्राई स्किन, मैंने एक दिन के लिए अप्लाई तो ज़रूर किया है, थोड़ा सा अमाउंट लेके मैंने जस्ट ट्राई किया था, तो डार्क जो है ड्राई स्किन के लिए भी ये परफेक्टली काम करता है. ड्राई स्किन पीपल को थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट लेना पड़ेगा, और ऑयली स्किन के लिए थोड़ा सा लाइक ए पी साइज अमाउंट आपको यूज करना पड़ेगा. मैं गारंटी देके कहती हूँ कि ये जो है आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा. प्राइस इसका ज्यादा नहीं है, फॉर 150 ग्राम इट टेक्स फॉर अराउंड इट चार्जेस 260 रुपीज, जो कि काफ़ी हद तक अफोर्डेबल है, आपको कहीं नहीं मिलेगा. अमेजोन पे जो है परचेज लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके चेक कर लीजिए. बहुत ही अच्छा क्रीम है ये, और अमाउंट भी आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, आप देख ही सकते हैं. कंसिस्टेंसी जो है
ज़्यादा थिक भी नहीं है और ज़्यादा जो है लाइट वेट भी नहीं है, तो मीडियम अमाउंट ऑफ कंसिस्टेंसी और जो है काफ़ी अमाउंट आपको मिलेगा, 150 ग्राम और प्रोडक्ट मिलेगा और फॉर ₹260, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, देखिए ज़्यादा ही मैंने अप्लाई किया और देखिए कैसे इजीली एब्जॉर्ब हो जा रहा है स्किन में। दैट मीन्स आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट भी देगा। मतलब मैं जो है अप्लाई करने के बाद फील कर रही हूँ जो है इट गिव्स अमेजिंग अमाउंट ऑफ सूदिंग एंड काम इफेक्ट ऑन माय स्किन। तो ये फेस के लिए भी बहुत अच्छा है, फ्रेग्रेंस जो है बहुत ही अच्छा है। हाँ, ये पैराबेन फ्री तो नहीं है बट पॉजिटिव रिजल्ट ये आपको ज़रूर देगा। तो ये था मेरा 3 स्किन केयर प्रोडक्ट, 3 मॉइस्चराइजर फॉर द विंटर्स, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो जैसे कि आपने देखा कि मैं 3 प्रोडक्ट, 3 मॉइस्चराइजर्स का रिव्यू मैंने किया है और मैं जो है सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यूज़ देखकर मैंने अपने ऊपर अप्लाई करके मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि मॉइस्चराइजर्स बहुत ही एसेंशियल होता है विंटर के टाइम पे। इफ़ यू डू नॉट अप्लाई मॉइस्चराइजर यू नो you are going to get lot of problem, even if you have dry skin you are going to get lots of problem, you are going to you know face like a problems related to aging, fine lines or everything। तो मैं ऐसे काफ़ी videos लेके आ रही हूँ सामने winter skin care को लेके, तो आप ज़रूर बने रहिए मेरे इस channel पे। तो अगर आपको notification भी चाहिए तो इसके लिए आपको subscribe ज़रूर करना पड़ेगा, और subscribe ही नहीं आपको bell icon भी click करना पड़ेगा, क्योंकि without that you are not going to get any notification, आपको notification नहीं मिलेगी मेरे रिसेंट वीडियोस के बारे में। तो बेल आइकन आप जरूर क्लिक कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर हेल्पफुल भी रहा हो, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए टू यू नो हेल्प योर फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए, फैमिली मेंबर्स को हेल्प करने के लिए, रेकमेंड करने के लिए। ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा है और आप कौन सा प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं मुझे, आप करेंटली कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसके ऊपर भी रिव्यूज करने वाली हूँ, तो कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपका कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है कमेंट करके मुझे बताइए प्लीज, क्योंकि अगर आपका कमेंट मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो आपको कमेंट मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो हाँ, इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। प्लीज मेरे जो है सोशल मीडिया लिंक्स मैंने दे दिया है, वहां पे जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैं रेगुलरली ब्यूटी अपडेट्स वहां पे देती रहती हूँ। तो या विद दिस एंड माय वीडियो, दिस इज जोयता साइनिंग ऑफ नाउ, एंड अंटिल देन कीप अपडेटिंग, बाय गाइस, लव यू।